हेलो गाइस, आप सभी का वेलकम है वैष्णवी ब्लीज फूड में। आज हम बनाएंगे सिर्फ आटे से ही बहुत ही स्वादिष्ट बनने वाले गुलाब जामुन। और आपने देखते ही समझ चुके होंगे कि कितने सॉफ्ट एंड बहुत ही स्वादिष्ट बने हैं। आप खुद ही एक बार ट्राई करें एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। तो चलिए हम गुलाब जामुन बनाना करते हैं शुरू। तो सबसे पहले यहाँ पे हम 1 ग्लास के करीब पानी लेंगे और इसमें 1 कटोरी के करीब हम चीनी पकने के लिए रख देंगे, चाशनी बनने के लिए। और एक बार अच्छे से मिला देंगे और इसे पकने के लिए साइड में रखते हैं। तब तक हम गुलाब जामुन का डो तैयार करते हैं। तो सिर्फ यहाँ पे मैं 2 चीजों से गुलाब जामुन बना रही हूँ, गेहूं के आटे से, जी हाँ, जिससे आप रोटी बनाते हैं उसी से। 1 कटोरी करीब मैंने गेहूं का आटा लिया है और छोटी कटोरी के करीब मिल्क पाउडर लिया है और साथ में लेंगे बेकिंग पाउडर। एक बाउल लेंगे, उसमें हम आटा डालेंगे, मिल्क पाउडर डालेंगे और साथ में ही डालेंगे बेकिंग पाउडर आधी चमची के करीब। इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें हम पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है, इसमें हम दूध का इस्तेमाल करेंगे। और 2 चमचे के करीब हम देसी घी डालेंगे। और घी को डालने के बाद हम इन सबको अच्छे से मिला देंगे। तो यहाँ पे हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब इसमें हम कोई लम्स ना रहे इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब थोड़ा थोड़ा करके एक अच्छा डो लगा लेंगे, जैसा गुलाब जामुन या खोआ का टेक्सचर में ले आएंगे इसको। तो अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़े थोड़े करके हम दूध डालते जाएंगे और अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। और यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से डो लग के तैयार हो चुका है। तो अभी इसको जो हल्का हार्ड लग रहा है तो इसको अच्छी तरीके से हम गूथेंगे जिस नहीं ताकि ये और हल्का पड़ जाए। इससे अपने गुलाब जामुन सॉफ्ट बनेंगे। यहाँ पे अपनी चाशनी बन के तैयार है तो साइड में रखेंगे। और डो एकदम अपना हल्का पड़ गया है तो अब चलिए गुलाब जामुन बनाना हम शुरू करते हैं। तो कुछ इस तरीके से लेंगे, हथेली की सहायता से ऐसे मथेंगे। और इसे आप गोल का शेप, मैं चपटे वाले गुलाब जामुन बना रही हूँ तो कुछ इस तरीके से शेप दे देंगे और गुलाब जामुन हम बना लेंगे। तो यहाँ पे अपने गुलाब जामुन यहाँ पे देखिए इस तरीके के बन के तैयार हो चुके हैं। और इसी तरीके से हम सेम तरीके से दूसरा गुलाब जामुन बनाएंगे और इसी तरीके से हम सारे गुलाब जामुन बना लेंगे। कोई लम्स ना रहा है इस बात का आप ध्यान रखें। तो यहाँ पे हमने सारे गुलाब जामुन बना के तैयार कर लिए हैं। अब चलते हैं हम इन्हें फ्राई करने के लिए। तो गुलाब जामुन आप घी या तेल में फ्राई कर सकते हैं, जिसमें आपको पसंद हो। यहाँ पे मैं मीठे तेल में फ्राई कर रही हूँ। तो जब हल्का तेल गर्म हो जाए तब हम एक एक करके गुलाब जामुन डालेंगे और अच्छा सुनहरा होने तक इसे हम फ्राई कर लेंगे। और अच्छे ऊपर नीचे दोनों ओर से अच्छे से हम पकाएंगे ताकि एकदम एक सा कलर आए। तो चलाना बिल्कुल भी बंद नहीं करना है। गुलाब जामुन यहाँ पे पूरी तरीके से पक के तैयार हो चुके हैं तो हम इन्हें हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हमने सारे गुलाब जामुन अच्छे तरीके से फ्राई कर लिए एंड निकाल लिए हैं। और इन्हें हम हाल के साथ चाशनी में नहीं डालना है, 2 मिनट हल्का ठंडा हो जाए इसके बाद हम इन्हें चाशनी में डालेंगे। और चाशनी अगर आपकी ठंडी पड़ गई हो तो उसे हल्का गर्म कर ले और इन्हें ओवरनाइट के लिए या 2-3 ठंडा होने तक इसे चाशनी में डिप रहने देंगे। और इसे ठंडा होने के बाद इसको हम देखेंगे, अच्छे से चमची से घुमा देंगे ताकि ये चाशनी अच्छे से ऑब्जर्व कर ले। तो गुलाब जामुन के वो मैंने 2-3 घंटे बाद देखा कि इनने चाशनी अच्छे से ऑब्जर्व कर ली है एंड बहुत ही अच्छे चाशनी में डूब चुके हैं और ये खाने के लिए एकदम तैयार हैं। तो इन्हें हम सर्व कर लेंगे। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें एंड आने वाली और जरूर से आप ये गुलाब जामुन बनाएं। अगर प्लीज आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज जरूर से एक लाइक करें एंड बताएं कि कैसी बनी है रेसिपी। और एक बार आप जरूर से ट्राई करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।